एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं तो वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ सुष्मिता एंड मैं यहाँ बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, स्पिरिचुअलिटी, ऑकल्ट के बारे में। सो अगर आप सभी अगर इन सब टॉपिक्स पे इंटरेस्टेड है तो आप लोग मुझे फॉलो या सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे कि क्रिस्टल को चार्जिंग एंड क्लिंजिंग कैसे किया जाता है। बहुत लोगों की क्वेरी आती है मेरे पास, जिन लोगों ने मुझसे क्रिस्टल खरीदा है या जिन्होंने किसी और से भी खरीदा है, जो लोग मुझसे कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, वो लोग मुझे अक्सर पूछते हैं कि क्लिंजिंग कैसे किया जाता है, चार्जिंग कैसे किया जाता है, ये करना कितना ज़रूरी है। तो उन्हीं सब चीज़ों के ऊपर आज हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि क्रिस्टल की चार्जिंग एंड क्लिंजिंग क्यों ज़रूरी होती है। जब हम कोई क्रिस्टल यूज़ कर रहे होते हैं, उसे पहनते हैं या उसे अपने घर पर प्लेस करते हैं, हमारे जितनी भी नेगेटिविटी होती है जो कि हमारे शरीर पे होती है या हमारे एनवायरनमेंट में होती है, वो सारी नेगेटिविटी उस क्रिस्टल के अंदर चली जाती है। तब हमें उस क्रिस्टल को भी उस नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट करना होता है, उसे उस नेगेटिविटी से क्लेंस करना होता है, सो दैट वो क्रिस्टल को हम और ज़्यादा टाइम के लिए यूज़ कर सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ जाए तो क्रिस्टल टूट जाते हैं या फिर वो ख़राब हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि गुम भी हो जाते हैं क्रिस्टल, तो हाथ से अचानक से गिर जाता है कहीं पे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ गिर गया, गले से गिर जाता है, पता भी नहीं चलेगा। अक्सर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी उसमें आ जाए तो ऐसी सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो इसीलिए वो हमें प्रोटेक्ट कर रहा है फ्रॉम ऑल द नेगेटिविटी। तो हमें भी थोड़ी बहुत प्रोटेक्शन उस क्रिस्टल को भी देनी चाहिए ताकि वो क्लीन रहे और वो हमें और अच्छी तरीके से प्रोटेक्शन दे सके। तो चलिए बात करते हैं कि क्रिस्टल को क्लेंजिंग कैसे किया जाता है। मैं आपको बहुत सिंपल कुछ तरीके बताऊंगी जिससे आप अपने घर पे ही क्रिस्टल को क्लेंजिंग कर सकते हैं। क्रिस्टल को क्लेंजिंग का सबसे पहला तरीका है, आप उसको सॉल्ट वाटर से क्लेंज कर सकते हैं। एक बाउल लेना है आपको, ग्लास का बाउल होना जरूरी है। आप कोई दूसरा मेटल का यूज ना करें तो बेटर है, ग्लास बाउल आप ले लें। उसमें थोड़ा सा पानी ले लें, थोड़ा सा एक या दो पिंच आप उसमें सॉल्ट डाल दें। आप पिंक सॉल्ट डाल सकते हैं, अगर वो अवेलेबल नहीं है तो आप घर का नॉर्मल सॉल्ट भी डाल सकते हैं। एंड उस पर आप अपने क्रिस्टल, जो भी आपका क्रिस्टल है, आप उसको या फिर ब्रेसलेट से, तो आप उसको वहां पे 10 टू 15 मिनट्स के लिए छोड़ सकते हैं। एंड देन 10 टू 15 मिनट बाद आप उसे उठा ले। बट मेक श्योर कि जो भी क्रिस्टल आप पानी में डाल रहे हैं वो वाटर फ्रेंडली हो। कुछ क्रिस्टल ऐसे भी होते हैं जो वाटर फ्रेंडली नहीं होते हैं। आप जो भी क्रिस्टल यूज करें, आपको उसके प्रॉपर्टीज उसको पहले चेक कर लेना है। गूगल पे सर्च करके आप चेक कर सकते हैं कि क्या वो वाटर फ्रेंडली है। फॉर एग्जाम्पल पायरेट वाटर फ्रेंडली नहीं है। पायरेट को आप वाटर पे चार्ज नहीं कर सकते, तो आपको पहले ये श्योर होना है कि वो वाटर फ्रेंडली है। उसके बाद ही आपको उसको सॉल्ट वाटर में 10 टू 15 मिनट्स रख के आप उसको क्लेंज कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आप सिंपली ड्राई सॉल्ट पे भी उसको रख सकते हैं। अगेन आप मेक श्योर हो कि वो जो क्रिस्टल है वो सॉल्ट फ्रेंडली भी हो। आपको सिंपल से एक बाउल लेना है, उसमें सॉल्ट देना है। अगेन आप पिंक सॉल्ट ले सकते हैं, नहीं अवेलेबल हो तो घर का नॉर्मल सॉल्ट भी आप ले सकते हैं। एंड देन उस पर अपने क्रिस्टल को प्लेस करके हाफ एन आवर के लिए उसको छोड़ दीजिए। एंड उस नमक को आप दूसरी चीज में यूज मत कीजिए, उसे आप डिस्कार्ड कर दीजिए, क्योंकि उसमें सारी नेगेटिविटी आ चुकी है जितनी भी उस क्रिस्टल पे थी। ये दूसरा चीज हो गया। तीसरा आप कर सकते हैं, आप अगरबत्ती जो होते हैं, जो हम पूजा पे यूज करते हैं बेसिकली, आप वैसे अगरबत्ती जला सकते हैं। एंड उस अगरबत्ती को इस तरीके से आपको आपका जो भी क्रिस्टल है आपको उसको पकड़ना है एंड अच्छे से अगरबत्ती का धुआं आपको इस पे लगाना है। थोड़ा देर आपने अगरबत्ती का धुआं इस पे लगा लिया एंड देन उसको आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए। अपने क्रिस्टल ब्रेसलेट जो भी आपका है आप उसके साइड में से घुमाइए एंड मन ही मन इंटेंशन दीजिए कि जितनी भी नेगेटिविटी है वो सारी यहाँ से निकल रही है। ये हो गया आपका तीसरा टेक्निक। चौथा आप कर सकते हैं कि सेज, आप सेज जला के, अगर आपके पास सेज अवेलेबल है तो आप सेज जला के सेम इसी तरीके से सेज के धुएं से भी आप क्रिस्टल को क्लेंस कर सकते हैं। फिफ्थ होगा, आप ब्राउन राइस यूज कर सकते हैं। ब्राउन राइस आपको एक बाउल पे लेना है, उस पे आपको अपने क्रिस्टल को रखना है एंड आपको उसको ओवरनाइट छोड़ देना है। ब्राउन राइस पे हर क्रिस्टल रख सकते हैं आप, वो उससे कोई भी क्रिस्टल को कुछ भी डैमेज नहीं होता है, तो आप उसको वहां पे रख के आप छोड़ सकते हैं सिंपली। एंड दूसरा सिक्स नंबर आप कर सकते हैं कि आप सन में, धूप में,
अपने क्रिस्टल को रख सकते हैं फॉर 1 से 2 घंटे के लिए। आप 1 से 2 घंटे के लिए धूप में रख दीजिए, उससे भी आपका क्रिस्टल चार्ज हो जाएगा। एक और चीज आप कर सकते हैं, मूनलाइट, जो फुल मून का दिन होता है वो सबसे बेस्ट होता है। उस दिन ना सिर्फ आपका क्रिस्टल क्लेंस होता है बल्कि उसका पावर भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आपको ओवर नाइट मून पे रख देना है, जो दिन फुल मून होता है आपको देख के रख देना है कि इस महीने का फुल मून कब आने वाला है, एंड उस दिन को आपको शाम को एक ग्लास का बाउल पे एक टेबल के ऊपर आपको अपना क्रिस्टल को रख देना है। उसको आप बिफोर सनराइज आप उठा लीजिए, अगर गलती से सनराइज हो भी गए तो भी कोई इशू नहीं है, बट सनराइज से पहले उठा लेंगे तो वो पूरा मून चार्जिंग हो जाएगा वो क्रिस्टल। आप एक और चीज कर सकते हैं, आप मून वाटर से अपने क्रिस्टल को धो भी सकते हैं, उससे भी क्रिस्टल क्लेंज एंड चार्ज हो जाता है। आप अगर मून वाटर आपको बनाना आता है तो आप मून वाटर बना लीजिए, एंड देन आप मून वाटर से अपने क्रिस्टल को धो लीजिए, उससे भी आपका क्रिस्टल क्लेंज हो जाएगा। एक और चीज आप कर सकते हैं, रनिंग वाटर आप टैप के नीचे भी इस तरीके से अपने क्रिस्टल को पकड़ के रख सकते हैं, अगर वो वाटर फ्रेंडली है तो। उस पानी के साथ धो के सारी जो नेगेटिविटी है निकल जाएगी। अगर आप कहीं वाटरफॉल कहीं इसी जगह पे गए जहाँ पे आपको वाटरफॉल दिख रहा है तो आप वाटरफॉल के नीचे वो रख दीजिए, वो बेस्ट नेचुरल रनिंग वाटर होता है। आप नदी के पानी में धो सकते हैं, आप बारिश में धो सकते हैं। बारिश गिर रही है, आप सिंपली अपने स्टोन को ऐसे पकड़ के रखिए, अपने क्रिस्टल्स को इस तरीके से, आप अपने ब्रेसलेट्स को, जो भी आपका पेंडेंट है, रिंग है, आप इसको ऐसे पकड़ के रखिए, तो वो रनिंग वाटर जो नेचुरल यूनिवर्स का रनिंग वाटर होता है उससे वो क्लेंस एंड चार्ज हो जाएगा। तो इस तरीके से बहुत से टेक्निक्स मैंने आपको बोले हैं, आप कोई भी टेक्निक यूज करके अपने क्रिस्टल को चार्ज कर सकते हैं। एक और चीज, अगर आपके पास सेलेनाइट प्लेट है या फिर सेलेनाइट स्टैंड है, जो सेलेनाइट आपका एक सेल्फ एनर्जाइज सेल्फ क्लेंस क्रिस्टल होता है, उसका प्लेट अगर आपके पास है तो उसका प्लेट को आप उसके प्लेट के ऊपर आप अपने क्रिस्टल को रख सकते हैं, ओवरनाइट के लिए आप छोड़ सकते हैं, तब भी आपका क्रिस्टल क्लेंजिंग एंड चार्जिंग दोनों हो जाएगा। बात कर ली हमने क्रिस्टल चार्जिंग एंड क्लेंजिंग की, अब बात करते हैं कि क्रिस्टल को आप अपनी इंटेंशन कैसे दे सकते हैं। सी, कहते हैं कि क्रिस्टल जो होते हैं वो लिविंग बींग्स होती है, आप उसको जो भी बोलेंगे वो उसी तरीके से आपके लिए काम करेगा। अगर आप क्रिस्टल के साथ कम्युनिकेट करेंगे, उसके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, तो फिर वो आपके लिए और ज्यादा काम करेगा। अगर आपने उसको ले लिया, ऐसे ही पहन लिया या उसको ऐसे ही छोड़ दिया, कहीं कोने में पड़ा हुआ है, उसमें धूल मिट्टी जम गया है, तो वो आपके लिए शायद ही काम करेगा। लेकिन अगर आप उसके साथ कम्युनिकेट करेंगे, आपने जिस चीज के लिए उस क्रिस्टल को अपने पास रखा है, अपने घर पे रखा है, वो बात आपको अपने क्रिस्टल तक पहुंचानी है, आपको उसको बताना है, तब जाके वो आपके लिए और ज्यादा मैजिकली काम करेगा। आपने क्या करना है, सिंपली अपने क्रिस्टल को इस तरीके से लेना है अपने लेफ्ट हैंड पे, एंड आपको अपने राइट हैंड से इस तरीके से उसे कवर करना है, एंड आपको अपनी आंखें बंद करके अपने क्रिस्टल को बोलना है कि आप उससे क्या चाहते हो, वो क्या चाहिए। अगर आपके पास रोज क्वार्ट्ज है तो डेफिनेटली आपने अपनी रिलेशनशिप के लिए उसे लाया होगा, आपको उसको बताना है कि वो आपके रिलेशन में किस तरीके से हेल्प कर सकता है। देन अगर आपने पायरेट लिया हुआ है तो आपने पायरेट किस लिए लिया है, डेफिनेटली मनी के लिए, ग्रोथ, सक्सेस, अपॉर्चुनिटीज के लिए। वही चीज आपको अपने क्रिस्टल को बतानी है, उसके साथ कम्युनिकेट करना है। कोशिश कीजिए जब भी थोड़ा टाइम मिले 24 आवर्स में, थोड़ा देर अपने क्रिस्टल के साथ आप बिताइए, हर रोज नहीं तो हफ्ते में 2-3 दिन उसके साथ थोड़ा कम्युनिकेट कीजिए, उसे जानने की कोशिश कीजिए। आप देखेंगे कि आपके लाइफ में आपको मैजिकल रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। मैं हमेशा बोलती हूँ क्रिस्टल्स आर मैजिक, उसे प्रॉपर तरीके से अगर आपने यूज किया, आपको क्रिस्टल से एडिक्शन हो जाएगा, आपको क्रिस्टल से प्यार हो जाएगा। वही चीज आपको करनी है, जितना हो सके उसे प्यार कीजिए, उसे कम्युनिकेट कीजिए, बातें कीजिए, आपको उसके बहुत ज्यादा मैजिकल रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो जाते जाते सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एंड अगर आपको मुझसे कोई भी क्रिस्टल खरीदनी हो या कोई भी टैरो रीडिंग के सेशन चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर डाल दूंगी एंड अपना FB ID डाल दूंगी, तो आप डायरेक्टली वहां से मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। एंड वंस अगेन, जाते जाते सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे।